और आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म है और हम इसमें बटन मशरूम उगाते हैं। 12 महीने हमारी बटन मशरूम इसमें होती है। आज की इस वीडियो में हम आए हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। आज मैं आपको दिखाऊंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप मशरूम फार्म। एरिया की बात करें तो 8 बीघे में ये मशरूम फार्म बनाया। 4 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे हैं। कितना मुनाफा होता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंकुर जैन जी से, उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, कितना मुनाफा है इस फार्म से कमा। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकुर जैन है जी। आज से 3 वर्ष पूर्व शशांक जी ने मेरे को सलाह दी जी कि बम्बू की खेती छोड़कर पक्के फार्म की तरफ आएँ। हमने इनकी सलाह को मानते हुए इसे फार्म पर कोशिश करके इसे लगाया जी। और आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म है। अच्छा। और हम इसमें बटन मशरूम उगाते हैं। 12 महीने हमारी बटन मशरूम इसमें होती है। सर आप हमें पहले अपना फार्म विजिट कराएं। आइए। अच्छा सर ये बताइए क्या पड़ा है यहाँ पे? ये भूसा पड़ा है वीट स्ट्रॉ जी। इसकी हम खाद बनाते हैं जी। ये हमारा कंपोस्ट यार्ड है जी। इसमें पहले यहाँ पे कंपोस्ट खाद बीकती है, भूसा को भगाते हैं, उसके बाद इसकी मिक्सिंग कर तो खाद बनने में, मतलब मशरूम उगाने लायक बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसमें 18 से 20 दिन लगते हैं। 18 से 20 दिन लगते हैं पूरा प्रोसीजर बताइए। इसके बाद के प्रोसीजर हमारा ये फेस 1 है, फेस 1 में जाता है जी। फेस 1 के बाद, फेस 1 में 3-4 टर्निंग होने के बाद फेस 1 वो फेस 1 है। फेस हाँ ये जब भूसा भीग जाता है जी, इसमें हम चिकन मैन्योर मिलाते हैं जी, उसकी पल्टी लगवाकर उसे मिक्स कर जी, पहले फेस 1 पे ले जाते हैं। फेस 1 पे जाने के बाद इसकी 2 या 3 पल्टी होती हैं, 4 पल्टी होती हैं। इसे अलग 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 फेस 1 को कन्वर्ट कर देते हैं, इस बंकर से इस बंकर पर, इस बंकर से इस बंकर पर। पल्टियां क्यों मारते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जिससे कि हमारी जो कंपोस्ट है चारों तरफ से पक जाए। अच्छा, मतलब इसकी इसमें हीट इसमें 80 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इसे रिमूव करते हैं, 50-55 तक आ जाती है। उसके बाद हम इसे फेस 1 कम्प्लीट होने के बाद फेस 2 पर ले जाते हैं। बंकर फेस 1 के बाद हमारी खाद इस फेस 2 में आती है। 8 दिन ये रूम बंद रहता है। इसकी सब चीज़ें रिलीज होने के बाद, अमोनिया रिलीज होने के बाद, टेम्परेचर कंट्रोल में आने के बाद इसे खोला जाता है। उसके बाद इसकी स्पॉनिंग करी जाती है। स्पॉनिंग के बैग भरकर रूम के अंदर पहुँचाए जाते हैं। मैं आपको रूम दिखाता हूँ किस तरह से भरी जाती है। अच्छा सर आपका कंपोस्ट बन गया जी, आगे का प्रोसेस बताएं। उसके बाद हम पन्नियों में कंपोस्ट को कर अलग अलग कंपोस्ट को कर 12-12, 13-13 किलो के बैग बनाकर इस तरह से रूम में रखते हैं जी। इसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर हैं, 3-4 प्रोसीजर हैं। वो प्रोसीजर करने के बाद लास्ट स्टेज पे आके अब ये रूम जो है हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, पिनिंग स्टेज पे चल रहा है। पिनिंग के बाद इसमें मशरूम पैदा होनी शुरू होगी। सर बात करें, आपने कंपोस्ट खाद भी आपका तैयार हो गया, सब कुछ सेट कर लिया, बीज की बात करें तो बीज लगाने का प्रोसेस क्या है और आप बीज कहाँ से मंगवाते हैं और कौन सी मशरूम आप लगाते हैं? हम जो है बटन मशरूम उगा रहे हैं जी। टोटल बीज हम दिल्ली से मंगाते हैं जी। दिल्ली में बहुत जने हैं जो बीज बनाने वाले हैं, उनसे बीज मंगाते हैं जी। और कंपोस्ट जब तैयार होती है उसमें मैनुअली उसे मिक्स करते हैं बीज को और धीरे धीरे उसके बैग भर जाते हैं, बैग सारे रूम में आ जाते हैं। अच्छा हमारे दर्शकों आप ये बताएं, आपका जो ये मशरूम फार्म है कितने एकड़ में है, कितनी लागत आई और क्या इससे मुनाफा चल रहा है और कितने साल आपको हो गए? देखिए मेरे को इस काम में चालू करे हुए, मेरा फार्म चालू करे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं जी। 2 से 2.5 साल हो गए हैं जी, जी, जी। और इसमें अमूमन लागत लगभग टोटल मेरी जो लागत आई थी 4 से 4.5 करोड़ रुपये के बीच आई थी। और इसमें यदि मुनाफे की बात करें, अगर सब प्रोसीजर सही तरीके से करा जाए, सिस्टमेटिक सब चीज़ों में चला जाए, किसी प्रोसीजर को अनफॉलो ना करके बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करा जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास आदमी साल में कमा सकता है। एक साल में कमा सकता है। अच्छा सर हमें ये बताइए कितने एरिया में आपका फार्म? ये हमारा टोटल 8 बीघे में लगा हुआ है। 8 बीघे हमारे यहाँ 1 बीघा 816 गज का होता है जी। तो ये टोटल फार्म हमारा 8 बीघे में लगा हुआ है। अच्छा सर बात करें लेबर की, तो आपके यहाँ कितनी लेबर लगती है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ टोटल मिला के लेबर तो काम करते हैं 30 से 40 जी, जिसमें कि हमारे यहाँ परमानेंट 6 से 7 आदमी होते हैं जी। और हम डेली वेजिस पर बाकी लेबर का अरेंज करके बुलाते हैं। अच्छा। लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आप ये समझिए इस फार्म से कम 40 से 50 जनों को रोज़गार मिलता है। सर बात करें प्रॉफिट की, वो तो आपने बता दिया, मतलब परसेंट में अगर बात करी जाए एक खेप में, मतलब कितना? देखिए ऐसा है कि ऐसा है जी, किसी भी खेप का एक सर्टेन फसल नहीं होती है कि इतनी क्वांटिटी आएगी वो वेरिएशन रहता है।
मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है और मार्केट की बिक्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक एवरेज लेके बताया गया है जो हमने मैंने आपको बताया है कि किसी भी रूम से ऐसा नहीं होता कि 5 टन ही फसल आएगी, 6 टन फसल आएगी, ये 3 टन भी हो सकती है, 6 टन भी हो सकती है। तो वो वेरिएशन परसेंटेज में नहीं लगाया जा सकता। हर मौके पर हर समय पर रेट का परसेंटेज का हमारी जो कॉस्ट है उसका वेरिएशन आता रहता है। अच्छा सर, बात करें आपने मशरूम फार्म लगाया, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और किसने आपको सलाह दी? मेरे को यहाँ पे SM बायोटेक है, शशांक मेश्वरी जी ये बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे को, ये मेरे पीछे काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, ये बायोटेक इंजीनियरिंग इन्होंने करी हुई है, इन्होंने सलाह दी भैया मैं इसकी मशीनें बना रहा हूँ, आप इसकी तरफ दिमाग रुझान लेके देखो। मैं किसी काम की तरफ बढ़ ही रहा था कि कोई मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, कोई काम करना है, इन्होंने मेरे को सलाह दी। इन्होंने बहुत 15-20 दिन तक हमारा इनसे डिस्कशन चला, इन्होंने सारी चीज़ें बहुत गहनता से समझाई, वो समझ में आई, उस पर हमने अमल करा। तो आज लगता है कि हमारा वो बहुत समय अच्छा था कि जिस टाइम हम शशांक मेश्वरी से हमारी मुलाकात हुई थी। सारी मशीनें हमारी शशांक मेश्वरी जी के यहाँ से आई है, किसी मशीन में हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 24 आवर हमारे को सर्विस अवेलेबल है, किसी भी तरह की हमें कोई समस्या नहीं आती। और वैसे भी रूटीन फार्म को चलाने में यदि कहीं फंसते हैं तो हमारे को शशांक मेश्वरी जी याद आते हैं, वो हमारे समय पे हर समय पे मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ। 2 कमरों से भी अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है और कम लागत में कर सकता है। हमने जो टोटल लगाए हुए हैं 12 रूम लगाए हुए हैं, साइज़ हमने 70x20 का एक रूम का लिया हुआ है, छोटा साइज़ का भी रूम बना सकता है, हर तरीके से जिसका जिसका जैसा बजट है उस बजट में आराम से काम करने में सक्षम है। अच्छा सर, कोई किसान भाई वीडियो देखकर आपसे सलाह लेना चाहता है, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग है? जैसा कि आपने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ट्रेनिंग होती है, कितने दिन लगेंगे सीखने के लिए और आप उनकी क्या मदद करेंगे आने वाले टाइम में? ऐसा है, जब कोई यदि हमें अप्रोच करेगा उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। 1 महीने के करीब उसे यहाँ पे रह के समझना पड़ेगा, सारे प्रोसीजर अपने सामने देखने पड़ेंगे कैसे कैसे प्रोसीजर हो रहे हैं। टोटल तो लगता है प्रॉपर सब चीज़ें आने में 2 महीना लगेगा, खाद बनाने से लेकर प्रोडक्शन रूम में जाने तक सब चीज़ों को करने में 2 महीने, 60 से 62 दिन लगते हैं टोटल रूम को खाली होने में। 1 से 1.5 महीने में आराम से उसके संबंध में आ जाएगा। और मदद की जहाँ तक बात है, वो जिस तरीके से भी जिस स्तर से मदद चाहेगा, हमें किसी तरह से हम पीछे नहीं हटें। अच्छा सर, बात करें मार्केटिंग की, तो आप अपना जो प्रोडक्ट है कहाँ पे सेल करते हैं? बटन मशरूम की सबसे अच्छी मार्केट कहाँ पे है और आप कहाँ देखते हैं? हमारे आसपास के इलाके में सबसे अच्छी मार्केट आजादपुर मंडी है। आजादपुर मंडी तो एशिया की नंबर 1 मंडी है, एशिया की सबसे नंबर 1 मंडी है, और वहाँ पे क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वांटिटी यदि ज़्यादा चली जाती है तो भी वहाँ पे बायर चारों तरफ से आता है, वहाँ से बहुत माल उड़ीसा जाता है, बिहार जाता है, होटलों में सब जगह से वहाँ से डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ से किसी तरह के मार्केटिंग की समस्या नहीं है। अच्छा सर, सबसे बड़ी समस्या जहाँ तक मेरा जानना है, वैसे आप तो इस सेक्टर में किंग हैं, आप मुझे बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, आपने हार्वेस्टिंग की जी, आपने मशरूम की हार्वेस्टिंग की तो 1-2 दिन के बाद ही सूखने लगती है, अगर हमारा माल 1-2 दिन तक नहीं बिका तो क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, प्रॉब्लम आती है इमीडिएट। हमें यहाँ पे रोज हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करना चाहिए? हमारे हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारे को यहाँ से शाम को पैक करके हम शाम को 6-7 बजे के करीब गाड़ी दिल्ली के लिए रवाना करते हैं। वहाँ पे मशरूम की मंडी रात में लगती है। ये जो गाड़ी होती है नॉर्मल होती है या एसी वाली होती है? गर्मियों में एसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थोड़ा सा गर्मियों में भी भाई एकदम से कोई नहीं बना सकता तो उससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। 6-8, 8-10 घंटे कोई मशरूम का ऐसा नहीं बिगड़ता, 10-12 घंटे में कोई ऐसे बिगड़ जाता है कि वो ख़राब हो जाएगी, एसी से बाहर निकलते ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, बात करें कोरोना काल की, जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना महामारी पूरे भारत में फैली हुई है, तो क्या इसका कोई प्रभाव इस बिजनेस पे पड़ा है? जो पीरियड लॉकडाउन का था, लॉकडाउन के पीरियड में जो भी हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग हुई है, जो भी हमारे यहाँ फिनिश निकला है जी, हमारा कहीं पे भी बिक्री नहीं हुआ, हमें गड्ढे खोद खोद कर दबाना पड़ा उसे जी। वो पीरियड बहुत ज़्यादा टिपिकल था सभी के लिए, मतलब केवल मशरूम इंडस्ट्री के लिए नहीं, सभी इंडस्ट्री के लिए टिपिकल था, लेकिन मशरूम इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा टिपिकल इसलिए था कि हम लोगों का माल स्टोर करने वाला नहीं था जी। हम स्टोरेज नहीं कर सकते थे, उसके लिए बहुत बड़ी लागत लगानी पड़ती है। हाँ, स्टोरेज के लिए लागत नहीं, प्रिजर्वेटिव करना पड़ता, कैनिंग यदि किसी का कैनिंग प्लांट साथ में लगा हुआ हो तो कैनिंग प्लांट में वो यूज हो सकता है, कैनिंग हो सकती है, लेकिन कैनिंग प्लांट भी उस पीरियड में मजदूरें वगैरह सब अपने घर चले गए थे, कैनिंग प्लांट भी बंद थे, ना कैनिंग प्लांट में जा पाया,
ना मंडी में फ्रेश बिक्री हो पाई, ट्रेन बंद थी, सब चीज़ें सब आना जाना बंद था। और मेन हम लोगों का मशरूम वालों का मेन सीजन का टाइम था, क्योंकि उस टाइम साय का टाइम रहता है, और एकदम लोकल फसल बंद होने के बाद फार्म वालों का माल बिकना शुरू होता है, तो बहुत अच्छा पीरियड था। लेकिन वो पीरियड कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, हमने अभी तक जो बात की प्रॉफिट हो गया, मतलब सारी बात पॉजिटिव की, अब हमें आप इस बिजनेस की नेगेटिविटी के बारे में बताइए, और आपको क्या क्या समस्या आई, अगर कोई किसान भाई करना चाहता है इस समस्याओं से बचेगा तो ही वो सक्सेस होगा, नहीं तो उसके आगे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है जी, कुछ मशरूम इंडस्ट्री में, मशरूम फार्म्स में कुछ बीमारियाँ हैं जिन्हें बीमारियों से प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वो सब जब आदमी काम करता है, उनकी मेडिसिन वो सब टाइम पे स्प्रे, टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है, उसके किसी एक प्रॉपर आदमी के अंडर में गाइडलाइन में रहना पड़ेगा। इन बीमारियों से बचाव के लिए हमारे को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अगर वो प्रॉपरली प्रिकॉशन लेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या का जो विषय है, हम मशरूम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ, हमने इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें 24 आवर अवेलेबल है, पर आसपास के जो एरिए हैं, जैसे उत्तरांचल है, हिमाचल, हरियाणा है, दिल्ली है, या और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की दर हमारे यहाँ के मुकाबले बहुत कम है। जैसे मशरूम इंडस्ट्री के लिए अलग ही दर है, सभी स्टेट की गवर्नमेंट ने करा हुआ है, वो स्टेट लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर नहीं है। स्टेट लेवल पे जैसे उत्तरांचल की बात करें तो वहाँ पे टोटल 1.95 रुपये पर यूनिट का खर्चा आता है, हमारे यहाँ 7.5-7.75 रुपये यूनिट का खर्चा है, जिसमें हमने बहुत प्रयास करने की भी कोशिश करी लेकिन कोई सफलता हमारे हाथ नहीं लगी, कोई सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ा कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा खेल है पूरे मशरूम को पैदा करने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। और आप ये समझिए, टोटल जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अलग ही, नियर अबाउट 40-50% कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। यदि इलेक्ट्रिसिटी की दर यही अगर जो हमारे यहाँ यूपी में रहती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दर है, यदि ये दर अगर जो सरकार इसके बारे में कोई ध्यान दे तो यूपी में भी बहुत अच्छे तरीके से मशरूम इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, जैसे उत्तरांचल में हुई हुई है, हरियाणा में हुई हुई है, आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में हुई हुई है, सभी स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई है। यहाँ पे डेवलपमेंट इस वजह से नहीं, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है कि बिजली की दर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई छोटा किसान करेगा वो तो दिक्कत आएगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यहाँ पे बिजली, ये ऐसा बिजनेस है 24 घंटे, इसको बिजली 24 घंटे बिजली चाहिए, यदि बिजली किसी वजह किसी भी 10 मिनट का भी कट होता है तो हमारे को जनरेटर चलाना पड़ता है। दोस्तों, आपने अंकुर जैन जी से जाना मशरूम फार्मिंग के A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप फिर भी कोई जानकारी हम बताना भूल गए हो तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या हो सर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों संबंधित वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।